राज्य सरकार ने पूरे राजस्थान में जो कोविड वैक्सीनेशन से वंचित लोग हैं या मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जिनका रजिस्ट्रेशन शेष है या स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देनी है, इस बहुउद्देशीय कार्य के साथ में पूरे राजस्थान में अलग व्हीकल चलाने की अनुमति दी है। अपने ज़िले में भी नगर परिषद क्षेत्र में 3 और बाकी सभी उपखंडों में एक एक व्हीकल, कुल मिलाकर के 10 अतिरिक्त वाहन चलाने की परमिशन राज्य सरकार द्वारा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम लोग इन व्हीकल्स के माध्यम से उन सभी दूरस्थ गांव ढाणी और घरों को कवर करें जहां तक सामान्यतः ये सेवाएं पहुंच नहीं पाती है। इन योजनाओं का हम अधिकतम प्रचार प्रसार करें और कोविड वैक्सीनेशन की प्रथम डोज, द्वितीय डोज या प्रिकॉशन डोज से जो शेष लोग हैं उनको भी हम मोटिवेट करें कि वो अपना वैक्सीनेशन समय पे लेना सुनिश्चित करें। साथ ही बहुत ही महत्वाकांक्षी जो योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका प्रचार प्रसार भी अधिकतम करके जो रजिस्ट्रेशन से शेष लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन इसमें करवाएं, ताकि मात्र 850 रुपये का भुगतान करके हमारा आम आदमी, हमारा प्रत्येक व्यक्ति साल भर में 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज अच्छे अच्छे अस्पतालों में प्राप्त कर सकें। IG के साथ सतर्कता राव की बैठक हुई है सर, उसमें क्या विचार विमर्श हुआ है? आज DGP साहब के निर्देश पर बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पूरे राजस्थान के विभिन्न जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। अपने यहाँ पे IG विजिलेंस श्री जय नारायण जी यहाँ पधारे थे। कल IG साहब ने अपने यहाँ के धार्मिक संस्थान, विभिन्न बाजारों का खुद ने व्यक्तिगत अवलोकन किया। आज भी हमारे प्रभारी सचिव महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय और कलेक्टर SP के साथ में IG साहब ने विस्तृत बैठक करी है। हमने ज़िले में जो कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनज़र जो केस बढ़ते जा रहे हैं उसके मद्देनज़र जो ज़िले की स्थिति है उसके बारे में अवगत करवाया और कुछ मुद्दे राज्य स्तरीय हैं जिनके बारे में भी निवेदन किया। तो कुल मिलाकर के IG साहब की विजिट काफ़ी अच्छी रही। अभी हमने जेल का भी निरीक्षण किया जहां लगभग 70 कैदी पॉजिटिव आए हुए हैं। 70 में से 69 में किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं है। एक कैदी को हमने हॉस्पिटलाइज कराया है। तो कुल मिलाकर के हमारा यही प्रयास रहेगा कि सरकार के जो इनके सब लोगों के साथ मिल करके कोरोना के जो नए केसेज आ रहे हैं उन पर किस प्रकार नियंत्रण करें, किस प्रकार आम आदमी को जागरूक करें और जो होम डिपार्टमेंट के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसकी हम पालना कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे काफ़ी संख्या में अब जो है रोगी हो रहे हैं, तो क्या स्कूल बंद कराने के लिए कोई बात चली है अभी? चूँकि गृह विभाग की जो लेटेस्ट डायरेक्शन है उसमें इस पे बंदी अभी नहीं है, लेकिन आज हमने IG साहब के माध्यम से प्रभारी मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में निवेदन करें। एक तरफ शीतलहर भी है और दूसरी तरफ विद्यालय में कैसे ज़्यादा आ रहे हैं। हालांकि सुखद बात ये है कि इसमें सिम्टोमेटिक नहीं है, बट फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया है। तो अंतिम निर्णय राज्य सरकार स्तर पर।